रीवा के सर्किट हाउस में सरपंच घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया है। लोकायुक्त की टीम ने द्वारी ग्राम पंचायत के घुसखोर सरपंच को पकड़ा है। घर के सामने बने शौचालय को हटाने के एवज में सरपंच रिश्वत मांग रहा था। शौचालय हटने से शिकायतकर्ता की जमीन की कीमत बढ़ जाती। हाँ, द्वारी में घर बना था, उसके बगल में एक जमीन पड़ी थी सरकारी, उसमें इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल सामने लेटरिन बाथरूम बनाया। हम मना किए तो नहीं माने। मना करने के बाद फिर ये एक ने फ़ोन किया हमको, तो आप 2 लाख रुपए दे दो तो ये गिर जाएगा, रोड रुक रही है दोनों तरफ से। हमने कहा कि नहीं भाई, 2 लाख हमारे पास नहीं। फिर इन्होंने दोबारा फिर फ़ोन करवाया और बोला कि 4 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख दे। फिर हमने कहा नहीं है, 2 लाख हम दे सकते। फिर इन्होंने 2 लाख में वो किया, तो हमने 50 आज दिया था। चेक भी दिया ना आपने? चेक 1.5 लाख का चेक, चेक नहीं लिए थे। चेक हमारे पास है, अभी साहब लोग दे दिए हैं, बोले चेक नहीं लेंगे, नगद लेंगे, 50 नगद लेंगे। चेक नहीं ले रहा नहीं। आप चेक लेके आए आज? कहाँ पैसा कहाँ मांगा गया था? पैसे की मांग गए अपने घर में, लेकिन वो फिर रीवा आ गए लेने। हमने दे दिया रीवा में, यहाँ श्रीराम टाइल्स वाले के, यहाँ श्रीराम टाइल्स वाले के सामने मिश्रा पेट्रोल पम्प। कहाँ के सरपंच? द्वारी के सरपंच है, ग्राम द्वारी के सरपंच नरेंद्र शुक्ला द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो निर्माण कराया गया था, उसको गिराने के एवज में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। आगामी कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए पर सहमति उनकी बनी कि 2 लाख रुपए हमको दे दीजिए। आज 50,000 रुपए नगद एवं 1.5 लाख रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथ सरपंच द्वारी नरेंद्र शुक्ला को ट्रैप किया गया।